अल्ट्राटेक सीमेंट वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों को भोजन और मास्क का वितरण किया गया। लॉकडाउन परिस्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जैसे कामगार, ट्रक ड्राइवर इत्यादि को भोजन मिले, इस हेतु से 24 मार्च से विविध भागों में फूड पैकेट्स का वितरण किया जा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट वेलफेयर फाउंडेशन आवारपुर की ओर से यह उपक्रम की शुरुआत की गई है और इस उपक्रम के तहत अभी तक हजारों जरूरतमंद लोगों को भोजन मास्क दिया गया है। इस उपक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 200 लोगों को दोनों समय का भोजन देने का काम अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क की ओर से किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से कोई इंसान भूखा न सोए, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही 2000 सूती कपड़ों का मास्क बनाकर उसका वितरण किया गया है। इसके लिए स्थानीय महिला बचत गट की महिलाएं भोजन तथा मास्क बनाने का काम उन्हें दिया गया है और उन्हें भी लॉकडाउन के दरमियान रोजगार मिला हुआ है। नागरिकों को फूड पैकेट्स वितरण किया जा रहा है। वितरण तथा भोजन बनाने के लिए 5 लोग इसमें सक्रिय सहभाग होकर गांव के विविध भागों में डब्बे पैकेट्स जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस उपक्रम के संबंध में कर्नल दीपक डे ने कहा कि सामाजिक सद्भावना के तहत हमने इस उपक्रम की शुरुआत की है और शुरुआत में 10 से 20 लोगों से इसकी शुरुआत की गई और आज की तारीख में तकरीबन 200 के आसपास नागरिकों तक भोजन पहुंच रहा है। इस उपक्रम का लाभ लेने का आह्वान अल्ट्राटेक सीमेंट आवारपुर के मुख्य व्यवस्थापक विजय एकरे, उपाध्यक्ष अनिल पिल्लई, महाव्यवस्थापक कर्नल दीपक डे ने सीटीवी के माध्यम से किया है। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि गणेश लोंडे की रिपोर्ट। सीएसआर की तरफ से करीबन 30,000 ड्राई राशन जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने सप्लाई कर चुके हैं और हर रोज़ पका हुआ खाना 2 टाइम 40-40 मील्स, 50 मील्स जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, फंस गए हैं, जिनका काम धंधा बंद हो गया है, उनको जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मेसनर्स हैं, मेसन वर्कर्स हैं, इन सबको जो है रोज़ दिन में एक बार पका हुआ खाना दिया जाता है और रात को भी दिया जाता है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जो मैंने बोला था, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसको कैसे टैकल कर रहे हैं, जैसा मैंने बोला हम लोग हर रोज़ सुबह शाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अवेयरनेस ड्राइव चल ही रहा है। हमारे जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, जाहिर है आइसोलेशन में हम अलग से बैठे हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, किसी के बच्चे बाहर हैं, किसी का पेरेंट बाहर है, वो आ नहीं पा रहा है, जा नहीं पा रहा है, तो अलग अलग किस्म के ख्यालात आते हैं। तो ऐसे ख्यालातों से कई किस्म की जो है मेंटल बीमारियां ज़रूर आ सकती हैं, जिसमें आप सोच भी नहीं सकते लेकिन आपके वो दिमाग पर बहुत बुरा एक असर डालता रहेगा। तो इसके लिए हमारे एक बहुत ही अच्छा मेंटल हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है एम्पावर। ये हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल चेयरपर्सन जो हैं, इसके फाउंडर और चेयरपर्सन मिसेस नीरजा बिरला हैं, उन्होंने मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ, स्टेट गवर्नमेंट मुंबई के साथ पार्टनरशिप में एक बहुत ही बेहतरीन एक सर्विस पूरे महाराष्ट्र सिटीजन्स के लिए खोला है, जिसमें ये एक 24/7 ऑनलाइन फैसिलिटी खोला है। किसी को किसी किस्म का भी, जिसको सोच की प्रॉब्लम आ रही है, तनाव है, मानसिक तनाव से गुजर रहा है, या वो टेंशन में है, वो ज़्यादा हड़बड़ा जाता है, स्कूल के बच्चे, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, रात को नींद नहीं आ रही है, हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं, शाइजोफ्रेनिक हो रहे हैं, पैरानाइड हो रहे हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, हम जो हैं ओपनली एक 24/7 ऑनलाइन फ्री नंबर है, उसमें कभी भी बात कर सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी में बहुत ही अच्छी तरीके से काउंसलिंग मिलेगी, थेरापीज़ मिलेंगे और आपको एडवाइज़ दिए जाएंगे, सजेशंस दिए जाएंगे।